Hello everybody, this is Khushi Singla and you are watching on CSP Institute channel. We move to the lecture 4 of this particular course. So in today's lecture we shall cover manipulation of digital signals. Manipulation of digital signals. So the very first important thing is that when we talk about manipulation of digital signals, switching is the key to it. Switching is the key to it. Now what do you mean by switching? Okay, basically switching is a kind of switch that we found in our household. For example, फैन स्विच. ओके, लाइक अगर आपने फैन के स्विच को ऑन किया तो क्या होगा, वो रोटेट करने लगेगा. एंड देन अगर आपने उसे ऑफ करा तो क्या होगा, वो स्टॉप हो जाएगा. राइट? तो हमारी स्विचिंग क्या होती है? स्विचिंग हमारी काइंड ऑफ ऑन ऑफ थिंग होती है. ठीक है, स्विचिंग हमारी और कुछ नहीं होती, काइंड ऑफ ऑन ऑफ थिंग होती है. अब जब हम काइंड ऑफ ऑन ऑफ थिंग कह रहे हैं तो एक इससे बाइनरी एक्टिविटी भी एसोसिएट होती है. अब बाइनरी एक्टिविटी एसोसिएटेड विथ स्विचिंग. अब आप बाइनरी एक्टिविटी एसोसिएटेड विद स्विचिंग का मीन्स क्या है? इसका मतलब लेट्स से अगर मैं ऑन कर रही हूँ अपने स्विच को तो मैं उस स्टेट को बोल रही हूँगी 1, और अगर मैं ऑफ कर रही हूँ अपने स्विच को तो मैं उसे बोल रही हूँगी 0. ओके, ऐसा कुछ नहीं है, हम इसका रिवर्स भी कर सकते हैं, पर जो स्टैंडर्ड अंडरस्टैंडिंग होती है और स्टैंडर्ड प्रोसेस होती है उसके अकॉर्डिंग हम ऑन को 1 लेते हैं एंड ऑफ को 0 लेते हैं. होप सो इतने में किसी को डाउट नहीं होगा. अब आगे हम देखते हैं एक एग्जाम्पल स्विचिंग कहाँ पे यूज़ हो रही है. जैसे ही हम इस कोर्स में आगे बढ़ेंगे हम एक मल्टीप्लेक्सर पढ़ेंगे. ओके, मल्टीप्लेक्सर. तो बेसिकली मल्टीप्लेक्सर में क्या होता है, यहाँ पे हमें थोड़ा सा ब्रीफ देखना है कि स्विचिंग में कैसे हमारा हो रहा होगा मक्स. इसमें मैनी इनपुट लाइन्स होती हैं एंड ओनली 1 आउट. ओके, बेसिकली लेट्स से मेरे पास एम इनपुट लाइन्स हैं 1 2 3 अप टू एम, ये m-1 हो रहा होगा. इनके कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास एक आउटपुट आ रहा होगा. अब मैं चाहती हूँ मेरा ये जो फर्स्ट चैनल है 1 चैनल है वो मेरे आउटपुट पे जाए, या वरना मैं चाहती हूँ मेरा 3rd चैनल आउटपुट पे जाए, तो मैं कैसे भेज पाऊँगी इन्हें? तो उसके लिए एक अनदर सेट ऑफ इनपुट हमारे पास प्रेजेंट होता है. अनदर सेट ऑफ इनपुट जिसे हम बोलते हैं कंट्रोल इनपुट. अच्छा, कौन सा चैनल आउटपुट पे जाएगा ये डिसीजन कौन ले रहा होगा? सर्किट अपने अंदर खुद ही डिसीजन ले रहा होगा. उसमें जो भी मैंने एलिमेंट्स दे रखे होंगे वो डिसाइड कर रहे होंगे इस चीज़ को. तो वो कौन सा सर्किट होता है ऐसा, मतलब जो डिसीजन ले रहा होता है वो कौन होता है? वो बेसिकली अनदर सेट ऑफ इनपुट्स होते हैं जिन्हें हम कंट्रोल इनपुट बोलते हैं. ओके, कंट्रोल इनपुट डिसाइड करते हैं कि हमारा चैनल 1 जाएगा या चैनल हमारा 2 जाएगा या कौन सा चैनल जाएगा. लेट्स से अब मेरे पास जो कंट्रोल इनपुट हैं वो अब उनका क्या है, सी 1 to m. लेट्स से मेरे सारे 0 हैं, 0 0 0 0 0 0 0 0. तो मेरा कौन सा चैनल सेलेक्ट होगा आउटपुट के लिए? 1. ओके, इफ 1 to m-1 चैनल मेरे लिए क्या है? 0 0 0 0 0 0 0. एंड m चैनल क्या है? 1. बेसिकली मतलब कैसा डेटा है? कुछ 0 0 0 0 0 0 1. तो मेरे लिए कौन सा चैनल सिलेक्ट होगा यहाँ पे, चैनल 2। अब तुम्हें ये लग रहा होगा कि ये कैसे हुआ, राइट, कि भाई मतलब चैनल 2 कैसे सिलेक्ट हो गया और चैनल 1 कैसे सिलेक्ट हो गया। देखो 0 0 0 0 0 0 0 क्या होता है ये 0 0 0 0 0 0 0 1 ये क्या होता है 1 0 0 0 0 0 1 0 ये क्या होता है 2 0 0 0 0 0 1 1 ये क्या होता है 3 0 0 0 0 1 0 0 ये क्या होता है 4, है ना। आई एम सो सॉरी 1 मिनट। तो हमारा डिसाइड क्या हो रहा है इससे। अब आपने देखा जब सारे 0 हैं इसका मतलब पहला चैनल सेलेक्ट होगा। जैसे ही ओनली एक 1 है तो ये चैनल सेलेक्ट होगा। लेट से ये 1 है और ये 0 है और सब 0 0 0 0 0 0 है तो मेरा चैनल 3 सेलेक्ट हो रहा होगा ऐसे। ओके, समझ में आया कि हमारा ये कैसे चल रहा होगा काम। ओके, इस पूरे सर्किट में क्या होता है हमारी स्विचिंग इन्वॉल्व होती है। समझ में आया हमारा स्विचिंग कैसे वर्क करता है, हम कैसे अपने इनपुट्स को लेकर देन आउटपुट के थ्रू कनेक्ट कर रहे होंगे। तो ये सर्टेन काइंड ऑफ लॉजिकल स्टेटमेंट और लॉजिकल बिल्डअप शो करता है जो कि स्विचिंग से एसोसिएटेड होती है। इतने में कोई डाउट नहीं होगा, अगर हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। ओके, इसके बाद हम एक बेसिक सा देख लेते हैं। अब अगर मैं अपने 1 स्विच की बात करूं कि मेरे पास 1 स्विच है तो वो 1 स्विच कैसा होगा, तो उसमें हम क्या ऐसे लेते हैं, मान लो मेरे पास 1 स्विच है और 0 वोल्ट को हम कंसीडर करते हैं 0 जो कि हमारी होती है ऑफ स्टेट। 5 वोल्ट को हम कंसीडर कर रहे होते हैं 1 जो कि हमारी होती है ऑन स्टेट। ओके, इतने में कोई डाउट नहीं। 1 स्विच में करस्पॉन्डिंग यही होंगे। अगर बट मैं 2 स्विच की बात करूं, 2 स्विच में क्या हो रहा होगा, स्विच 1 स्विच 2, राइट। अब देखो ऑफ होगा, ये भी ऑफ हो, एक कंडीशन ये हो सकती है ये ऑफ हो, ये ऑन हो जाए, ये ऑन हो जाए तो ये ऑफ ही रहे, और ये ऑन हो और ये भी ऑन हो। ये 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे हमारा। तो फर्स्ट पोजीशन किसको मिलेगी, इसको। सेकंड पोजीशन किसे मिलेगी, इसे। अभी हमने देखा था ना पोजीशन से हमारा मतलब क्या है कि भाई चैनल सेलेक्ट हो रहे हैं। ओके, समझ में आया इतना। अब यहीं पे ये कॉन्सेप्ट समझो, 1 स्विच में क्या था, 2 थे, 2 स्विच में क्या हो गया, 4 लेवल्स आ गए। तो इस बात को ध्यान रखना, एक रिलेशन होता है n = 2m। ओके, n हमारे क्या होता है नंबर ऑफ लेवल और m क्या होता है हमारे नंबर ऑफ स्विच। जब हमारा m = 1 था तो n = क्या आ गया, 2। जब हमारा m = 2 था तो n = कितना आ गया, 4। सिमिलर अगर m = 3 होगा तो n = क्या होगा, 8। आप बना के देख लेना, आपके क्या हो जाएंगे, पहले तो 4 ऑफ, राइट, देन ऑन 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 ऑन। अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग क्या होगा, ऑफ ऑफ ऑन, सॉरी ऑन ऑफ ऑफ ऑन ऑन, राइट। अब क्या हो रहा होगा, ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन, है ना। समझ में आया, इतने में कोई डाउट। अगर आपको ये बोल दिया जाए, इसका अपोजिट बोल दें कि 1024 लेवल हैं तो बताओ स्विचेस कितने होंगे, तो फॉर्मूला लगा दोगे, है ना। क्या फॉर्मूला लगेगा, 1024 = 2m, 210 = 2m, m = 10, मतलब tan switch needed. ओके, एक बात ध्यान रखना, जितने ज़्यादा स्विचेस होंगे उस डिजिटल सर्किट की उतनी एक्यूरेसी ज़्यादा होगी. ओके, तो नंबर ऑफ स्विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्यूरेसी. ये समझ में आया. नंबर ऑफ स्विच क्या होता है, हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्यूरेसी के. ओके, ये स्विचिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट था. अब इससे नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम देख रहे होंगे, रिलैक्सेशन कर रहे होंगे स्विच के साथ अपने और गेट को, एंड गेट को, नॉट गेट को. ओके, अब हम वो वाला कॉन्सेप्ट नेक्स्ट लेक्चर में देख रहे होंगे. होप सो आपको समझ में आया हो. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू सो मच.